नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का तारीख है 2 अगस्त 2024 और आज जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। ये बारिश जो है कल से शुरू है और सुनने में आया है कि बहुत जगह बारिश हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्य में, जिले में बारिश हो रहा है। अब बारिश तो मतलब इतना ज़्यादा, हम हर साल जो है बारिश में भीगते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन इस बार मेरा बाकी रह गया। तो अभी हम चलेंगे, थोड़ा सा भीग गए हैं और पूरा आपको ना दिखाएंगे, ठीक है, अपना घर के आसपास का एरिया। ये देखिए, हमारे घर के खिड़की से पीछे का हमारे बागान का सीन है। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा है, कभी तेज कभी स्लो, और खूबसूरत सा मौसम है। लेकिन आपको बता दें कि यही खूबसूरत सा मौसम जब ज़्यादा हो जाता है हमारे एरिया में, तो हमारे लिए ज़्यादा दुख का कारण भी बन जाता है। देखिए, हमारे घर से आंगन का सीन, हमारे घर के बाहर का, देखिए पानी कितना अच्छा टपक टपक कर रहा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चारों तरफ रिमझिम रिमझिम बारिश। चलते हैं बाहर, छतरी लेना होगा क्योंकि मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल को तो बचाना होगा ना, मोबाइल को बचाना होगा। ये हमारे घर के बाहर का कुछ सीन है, कितना खूबसूरत। देखिए ये नीम का पेड़, हम भींग जाएंगे लेकिन फ़ोन को नहीं भींगने देंगे। फ़ोन को छतरी से हम ढक कर के रखे हैं। अब बाहर का सीन दिखाते हैं। बाहर में ना पूरा नदी तालाब बन गया है। ये देखिए हमारे घर के बाहर का कुछ सीन, देखिए ये देखिए, पूरा बारिश का पानी जो है ना इधर से जाता है, आगे नाली है। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि कागज़ का नाव बना करके चलाते थे, ऐसे ही बहता है पानी में। तो अभी फ़िलहाल नाव वाला वो सब आदत छूट गया है। अब दिखाते हैं, ये सारा पानी जो हम लोग का इधर से आता है, इधर मेन रोड से, वो कहाँ जाता है। तो ये जो पानी है आप देख सकते हैं, बाढ़ आ चुका है। बाढ़ देखिए, कुछ इस तरह से पानी का बहाव देखिए, देख रहे हैं। और नाली का देखिए व्यवस्था, बरसात में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा घास हो जाता है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा घास है। और बहुत ज़्यादा घास जंगल होने से क्या होता है कि मच्छर ज़्यादा पनपने लगता है और पानी निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, नली जाम हो जाता है। और हल्का फुल्का बारिश में कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का जब बारिश होगा तो नाली तो साथ दे देता है पानी निकालने के लिए, लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाता है तो नाली भी जाम हो जाता है और पानी निकल नहीं पाता अच्छे से, जिसकी वजह से घर में पानी घुसने लगता है। तो थोड़ा ज़्यादा बारिश होने से दिक्कत तो होता है, लेकिन बारिश होना भी चाहिए। साफ सफाई हुआ था 1-2 महीना पहले, फिर से होना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अपना गांव घुमाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे बारिश का पानी नाली से होते हुए जा रहा है। ये देखिए बाढ़ आ गया, बाढ़ घर के पास में, यहाँ पे महावीर स्थान है। यहाँ पे हमारे गांव में महावीर स्थान है। बारिश का मज़ा ले रहा है, हम भी बारिश का मज़ा लेने निकले हैं। और सोचे कि अपने अपने ऑडियंस को थोड़ा दिखा दे, है ना। कब से बारिश हो रहा है बता दो, कल से हो रहा है ना। तो वही हम सोचे कि चलो हर मौसम हर चीज़ दिखाया जाता है तो अपना बारिश भी दिखाया जाए। देखिए हम लोग का ये पूरा गाँव का पूरा सीन बहुत सुंदर। ये गाँव का ही लड़का है जो ये भी बारिश का आनंद ले रहा है, तो हम सोचे चलो इनसे मिलवा देते हैं। हैंडपम्प है हमारे गांव में, लेकिन हैंडपम्प में पानी नहीं होता है। तो ये कुछ हमारे गांव का ये कुछ सीन है। और चलिए आपको उधर भी लेके चलते हैं। और थोड़ा सा आगे उधर भी लेके चलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत, देख रहे हैं ये बारिश में बाढ़ बन गया, बाढ़ आ गया। बहुत लोग डरते हैं कि बारिश में मत निकलो बाहर, तबीयत ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरे साल में अलग अलग मौसम होता है कुछ कुछ महीनों का, तो हर मौसम को जो है ना इंजॉय करना चाहिए। ठंडा और गर्मी तो आप चाहे ना चाहे आपको तो लगेगा ही, लेकिन बरसात में तो बरसात का आनंद लेना चाहिए। तो बस इसीलिए हम निकल गए और फ़ोन को बचाते हुए, ताकि मेरा फ़ोन ख़राब ना हो जाए, एक ही फ़ोन है मेरे पास। ये देखिए हमारे घर के पास हम लोग आ गए,
ये है हमारे घर का पीपल का पेड़। भैया पूजा करने जा रहे हैं भैया? जी, हर 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 महादेव। महादेव। यहाँ पे एक दुकान खुला है, दुकान में देखते हैं बसंत है कि नहीं। बसंत है क्या? हाँ देखिए, हमारे गांव में घर के पास में दुकान खुला है, बहुत अच्छा। बसंत जी से मिलवाते हैं, आइए ऑनर साहब। अरे आइए। तो थोड़ा शर्मा रहा है लड़का, और कोई बात नहीं है। ये है बसंत का दुकान, जिसको भी आना हो आ सकते हैं ना बसंत। फ्री प्रमोशन। हाँ क्या चार्ज देगा बताओ? प्रमोशन तो कर, कोई चार्ज नहीं, फ्री में। ए वीडियो डिलीट कर देंगे। चलो घुमाते हैं थोड़ा, एक फिर से फिर बारिश थोड़ा तेज हो गया। हम फर्स्ट टाइम घर के पास इस तरह से घूमते हुए ब्लॉग बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ से हिम्मत आया हमको इतना ज़्यादा। क्योंकि बाहर घूम फिर के आप ब्लॉग कर सकते हैं, लेकिन अपने एरिया में घूम फिर के ब्लॉग बनाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग थोड़ा सा होता है ना, आप समझ रहे होंगे कि लोग देखेंगे तो अजीब सा थोड़ा सा लगता है, लेकिन आज सब कुछ हम त्याग दिए हैं। शर्म डर सब कुछ, बहुत सारा पेड़ है। यहाँ देखिए पीपल का पेड़ है, पेड़ पौधे की कमी नहीं है हमारे घर तरफ। हमारा घर जो है ना वो टाली का है, और उधर का अंदर में दो कमरा है जो एल्बस्टर है, बाकी ये टाली है। हम लोग का घर मिट्टी का है, बारिश का जो बूंद है टाली पे किस तरह से पड़ रहा है, रिमझिम रिमझिम। और इसको हम लोग बोलते हैं ओरी चूना, हम लोग भोजपुरी में भाषा है, ओरी चूरा है, यानी बारिश का पानी जो है टाली से होते हुए नीचे गिर रहा है, इसको ओरी चूना बोलते हैं। तो ये कुछ हमारा घर है, और घर के बारिश के मौसम में घर को दिखाते हुए अब हम जा रहे हैं बारिश में नहाने के लिए। आधा तो ऑलरेडी हम भींग चुके हैं, साल में एक बार ही बारिश आता है, तो बारिश का आनंद उठाना चाहिए। हम चले आनंद उठाने, आप वीडियो का आनंद उठाइए। खत्म, बाय बाय, टाटा।